गुजरात के बाद बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने राजस्थान के रेगिस्तान में जमकर तबाही मचाई है। और पिछले 24 घंटों की अगर डेटा आंकड़ा को आपके सामने रखें तो पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं ने रेगिस्तान के बाड़मेर जिले को भी झकझोर कर रख दिया है, जो कि अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और 500 से अधिक गांवों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। इस वजह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रेगिस्तान की है, राजस्थान की है, बाड़मेर की है। देखिए जरा यहाँ पर इस तरह के नज़ारे जो है, इस तरह की अगर आप बाढ़ बारिश का कहर बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी हालात तो ऐसे ही हैं। बीच सड़क पर किस तरह से ये सैलाब का सितम नजर आ रहा है, और देखिए जरा गाड़ियों को आवागमन में जो लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान से सटे जिले के बॉर्डर के गांव में सैकड़ों कच्चे घर ढह गए हैं। दूसरी तरफ कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, यानी कि पूरा इलाका जलमग्न है। कई इलाकों में 5 से 7 फीट तक घरों में पानी घुस चुका है। 7 फीट अंदाजा लगाइए, इंसान डूब जाएगा, क्योंकि अधिकतम जो हाइट होती है इंडिया के अकॉर्डिंग अगर 6.5 फीट से ऊपर तो किसी की नहीं होती, आमतौर पर 6 फीट। 7 फीट तक पानी जमा है। इससे खाने पीने का सामान समेत लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके में फिलहाल एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर वो पहुंचाने का काम कर रही हैं। बाड़मेर के चौहटन की बात कर लें, धनाऊ या सेड़वा समेत उसके आसपास के इलाकों में लगातार कई घंटों तक भारी बारिश के बाद घरों में 7 से 8 फुट तक पानी घुस चुका है। ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश की वजह से लोग अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिसके बाद से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को उतारना पड़ा और इनकी मदद से ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए जरा तस्वीर। राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर बिपरजॉय तूफान ने रात को एंट्री कर दी थी, और उसके बाद में खास तौर से आप देखिए बाड़मेर जिले के जो सेड़वा, चौहटन, धड़ाऊ, धोरिमना ये जो इलाका है, यहाँ पर पिछले 12 घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, और कहीं पर ऐसे इलाके भी है जहां पर जल भराव हो गया है। क्या स्थिति है गांव की, किस तरीके से वहां पर 12 घंटे पिछले 12 घंटे से क्या स्थिति है? बहुत हालत खराब है। अच्छा, क्या बारिश है, आंधी भी है। अच्छा, आप यहां कैसे हॉस्पिटल में आ रहे? हॉस्पिटल में आए थे। कब आए थे आप? परसों आए थे। उसके बाद में गांव से बात हुई? बात हुई। लगातार बारिश के कारण काफी जगहों पर दिक्कत परेशानी आ रही है। उसी बीच में आप देखिए नगर परिषद की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, कि जो जिस तरीके से भी जो पेड़ है गिर गए हैं, तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए, अच्छा क्या नाम है, क्या हो गया भाई साहब? बारिश आ रही है साहब, बहुत काफी दिनों 2-3 दिन से बारिश बहुत तेज हो रही है। अभी आप लोग यहाँ क्या क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी हो गई? दिक्कत ये हो रही है कि कहीं कहीं नाले अवरुद्ध है, वहाँ पे ओवरफुल हो गए हैं, तो उनको साफ सफाई की जा रही है, रेता वेता भरा जा रहा है। देखिए राजस्थान में बिपरजॉय तूफान के प्रवेश के बाद लगातार जालौर जिले में भी तबाही मची। शुक्रवार देर रात से तूफान की एंट्री के बाद लगातार तेज हवा के साथ बारिश का दौर जारी है। सांचौर में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं चितलवाना और रानीवाड़ा से 200 mm बारिश दर्ज की गई है। लगातार भारी बारिश के चलते जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। प्रशासन लगातार आमजन को सूचना देने की अपील कर रहा है। रानीवाड़ा में तेज बारिश और आंधी से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर बड़े बड़े पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित है, जिसको हटाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीर देखिए, तो भारी बारिश और तेज हवा के चलते ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान भी गिर गए हैं।